रोल नंबर 18 को ना। यस मैम। क्या नाम है? दुर्गेश नंद गुर्जर। दुर्गेश गुर्जर का। हाँ ठीक है, नोट्स वाचाव गया द्रव्य चे लिहून दिलेले। आता दोन दिवसाचा गॅप झालाय ना, जरा रिव्हिजन होऊ दे आणि मग आपण हा वाच पटकन वाचून संपून तोपर्यंत जॉईन होतात का बघा। द्रव्य पदार्थ द फॉर्म ऑफ ऑल अदर पदार्थ डिपेंड्स अपॉन द्रव्य। इट मीन्स द्रव्य इफ इट इज नॉट देअर ऑल ऑल्सो पदार्थ विल ऑल्सो नॉट देअर। द्रव्य निरुक्ति द्रव्य वर्ड द्रव्य इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग यत प्रत्यय टू द रूट धातु ध्रुत गतो। द्रव्य इज दैट बिकॉज ऑफ रूट का मीनिंग धातु है। रूट धातु म्हणजे रूट। द्रव्य इज बिकॉज ऑफ विच नॉलेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गॉट और विच इज ऑलवेज गोज इन टू ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन। द्रव्यती गच्छति संयोगम इति द्रव्यम। द्रव्यती द्रव्यती गच्छति संयोगम इति द्रव्यम इज निरुक्ति ऑफ द्रव्य। द्रव्य लक्षण क्रिया गुणवत् समवाय कारणम द्रव्यम। द समवाय कारण ऑफ कर्म एंड गुण इज द्रव्य। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तत द्रव्यम। द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत् समवाय कारणम द्रव्यम। द्रव्यत्वं जातिमित्वं गुणवत्तं समवाय कारणत्वं वा द्रव्यं सामान्य लक्षणं। द्रव्य इज अ सब्सटेंस और फैक्टर इन विच कर्म एंड गुण आर प्रेजेंट विथ समवाय संबंध। समवाय कारण ऑफ गुण एंड कर्म कॉल्ड द्रव्य। द्रव्य इज अ सब्सटेंस विच इज विथ गुणत्व एंड द्रव्यत्व जाति। इट इज सामान्य लक्षण ऑफ द्रव्य। According to above lakshanas, three things should be necessarily present in dravya: guna, karma, and dravyatva jati. These three are present with samvaya sambandha in dravya. Following are the peculiarities of dravya: dravya is padartha, dravya is nitya, dravya is adhar of kriya and guna, dravya is samvaya karan of anya anya karya dravyas. Kriya requires gunwan or karta. गुण रिक्वायर्स गुणी। क्रिया प्रेजेंट इन गुणवान एंड गुणी गुण इन गुणी। क्रियावान राइट। क्रिया प्रेजेंट इन क्रियावान एंड गुण इज प्रेजेंट इन गुणी। दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। आश्रय इज नेसेसरी फॉर गुण एंड कर्म। दिस आश्रय इज द्रव्य। कर्म कैन मेक ऑर्डर्स एनी एक्शंस विथ हेल्प ऑफ द्रव्य। गुण कैन ऑल्सो मैनिफेस्टेड व्यक्त विथ हेल्प ऑफ द्रव्य ओनली। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द्रव्य इज दैट इन विच कर्म एंड गुण आर प्रेजेंट इन विच ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कर्म एंड गुण टेक्स प्लेस बट इट इटसेल्फ इज नॉट ट्रांसफॉर्मेबल। द्रव्य इज समवाय कारण ऑफ कार्य द्रव्याज। समवाय कारण इज कॉल्ड टू दोज कारण बाय विच एनी थिंग इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड। द्रव्य संख्या खादिन्यात्मा मन कालो दिशाश्च द्रव्य संग्रह चरक सूत्र स्थान। द्रव्य आप तेजो वायु आकाशम कालो दिशात्मा मन इति द्रव्य। हेलो ते पृथ्वी 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 आप तेजो वायु आकाशम कालो दिशात्मा मन इति द्रव्यानी। According to Charak, Akash, etc., five Mahabhutas, Atma, Man, Kal, and Disha are nine Dravyas. Nyaya Vaisheshika also described nine Dravyas. Prithvi, Jala, Tej, Vayu, Akash, Man, Kal, Disha, Atma, Man. In world, there are indefinite Dravyas. In Ayurveda, number of Mool Dravyas are given as nine. All the Karya Dravyas of world are created from these nine Dravyas. पृथ्वी जल तेज वायु एंड आकाश महाभूत। दिस फाइव द्रव्यज कॉल्ड महाभूत। दिस फाइव महाभूत टेक्स इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द्रव्य। देयर फोर स्थूल द्रव्य कॉल्ड एज भौतिक और पंचभौतिक। द्रव्य भेद क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य।
दो मेनली नाइन टाइप्स ऑफ द्रव्य आर देयर विथ रेफरेंस टू कारण देयर आर अदर टाइप्स ऑफ द्रव्य डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ओरिजिन उत्पत्ति टू टाइप्स कारण द्रव्य और मूल द्रव्य कार्य द्रव्य पृथ्वी एक्सेट्रा हेलो पृथ्वी एक्सेट्रा नाइन द्रव्याज आर कारण द्रव्याज और मूल द्रव्याज बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस अदर द्रव्याज ऑफ वर्ल्ड आर क्रिएटेड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कारण द्रव्याज इंस्टेड ऑफ द ऑल अदर थिंग्स और द्रव्याज आर कॉल्ड एज कार्य द्रव्याज ऑल द्रव्याज इन वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स प्रत्यक्ष द्रव्य एंड अप्रत्यक्ष द्रव्य सम द्रव्याज आर इन लार्ज फ्रॉम स्थूल therefore they are parties visible pratyaksha some dravyas are perceptible or visible some dravyas are very minute therefore they are invisible apratyaksha pratyaksha dravyas are dravyas which are perceptible to sense or which are required received by Indriyas. There are some dravyas which are not perceived by indriyas. They are in the form of parmanu or very minute. These dravyas are called as apratyaksha dravyas. Third, dravyas are classified according to consciousness. Two types: chetan dravya, achetan dravya. Dravyas which are with sensation, life or spirit are called as chetan dravyas. Because of consciousness, that is Chetan Tattva, these are Chetan Dravyas. Sendriyam Chetanam Dravyam. Indriya Yukta Dravyas is called as Chetan. Opposite to it, Dravyas which are without consciousness are called as Achetan or Jada. These Dravyas are not related to Indriya, therefore called as Nirendriya Dravyas. Nirendriyam Achetanam. Dravya without Indriya is called as Nirendriya or Achetan Dravya. Nitya and Anitya Dravya. Karan Rup or Parmanu Rup Dravya is called as Nitya Dravya. It is not having any origin or destruction. Karya Rup Dravya are called as Anitya Dravya. Okay. So next point is form of Dravya in Ayurveda. Next point, write down. The form of Dravya in Ayurveda. The form of Dravya in Ayurveda. Ayurveda's prayojan is swasthasya swastha rakshan aturasya vikar prasham. So for that we require Dravya. And to become healthy also we require Dravya. And if diseases are created to cure that, Dravya is required. So according to Ayurveda, Dravya means yatra shrita karma guna karanam samvai yatta dravyam. This definition is given by Charak. So the one which is having guna karma in it with samvai samanda and which is used for the treatment purpose, chikitsa purpose are called as dravya. Similar to darshan shastra, Ayurveda also accepted nine dravyas, that is dravya guna karma samanya vishesh. So according to Ayurveda, Dravya is divided into two types, Shari Dravyas and Bahya Dravyas. Shari Dravyas are those Dravyas which are present in the body. Three Doshas, Sapta Dhatu and Three Malas, these are the Shari Dravyas. When there is equilibrium, Samayavastha, then we call it as a Swasthya or healthiness. If there is disturbance in these dravyas, diseases are get created. And to cure these dravyas, we require bahya aushadhi dravyas, which will keep the sharir in samyavastha or swasthavastha. So bahya dravyas are also divided into three types: dosha prashanam, dhatu prashanam, and swastha rakshak. So these are the bahya dravyas, and they are required for keeping the body healthy, and if it is diseased, to cure the disease. So write down the form of Dravya in Ayurveda. In Ayurveda,
हेलो, ऑडिबल हो मैम? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ इन आयुर्वेद, इन द आयुर्वेद द वर्ड विथ टू मीनिंग, रिलेटेड टू दर्शन एंड रिलेटेड टू चिकित्सा, विथ टू मीनिंग, रिलेटेड टू दर्शन एंड रिलेटेड टू चिकित्सा, रिलेटेड टू दर्शन मीन्स ऑल नाइन द्रव्यस, दैट इज पृथ्वी एक्सेट्रा, महाभूतास, पंच महाभूतास, दिशा, काल, मन एंड आत्मा, दीज नाइन द्रव्यस विथ दार्शनिक मीनिंग, विथ दार्शनिक मीनिंग इन आयुर्वेद द वर्ड द्रव्य इज यूज with darshanic meaning in ayurved the word dravya is used with the meaning given in vaisheshik darshan with the meaning given in vaisheshik darshan as first shlokaradam yatra ashritah karma guna karanam samvai yatta dravyam this shloka you have written in dravya lakshan यत्र आश्रितः कर्मगुणः कारणं समवायि यत् तद्द्रव्यम् चरकसूत्रस्थान सेकेंड द्रव्यलक्षणं तु क्रियागुणवत् समवायि कारणं द्रव्यलक्षणं तु क्रियागुणवत् समवायि कारणं शुश्रुतसूत्रस्थान 40/3 The sankhya of dravya is also considered as nine, similar to vaisheshik. Sankhya of dravya is also considered as nine, similar to vaisheshik. Vedan shloka. Khadinyatma manaha kalodishasya dravya sangraha. Khadinyatma manaha kalodishasya dravya sangraha. सूत्रस्थान 1/48 नेक्स्ट लाइन शुश्रुत कंसीडर्ड दैट द्रव्य इज आश्रय दैट इज बेस ऑफ गुण कर्म एंड ऑल अदर भावास शुश्रुत कंसीडर्ड दैट द्रव्य इज आश्रय दैट इज बेस ऑफ गुण कर्म एंड ऑल अदर भावास द्रव्य इज हैविंग रस वीर्य विपाक प्रभाव ऑल दीज आर ऑल्सो अलोंग विथ द्रव्य हेलो परत सांगू सुश्रुत कंसीडर्ड दैट द्रव्य इज आश्रय दैट इज बेस ऑफ गुण कर्म एंड ऑल अदर भावास रेडंग श्लोका श्रेष्ठम द्रव्यम अतो ज्ञेयम् श्रेष्ठम द्रव्यम अतो ज्ञेयम् शेष भावः तदाश्रयः मैम परत सांगा ना द्रव्य श्रेष्ठ है द्रव्य इज आश्रय ऑफ रस गुण एक्सेट्रा ऑल भावास द्रव्य इज आश्रय ऑफ रस गुण एक्सेट्रा ऑल भावास देयरफॉर द्रव्य इज प्रधान तो मेन आयुर्वेदा मध्ये द्रव्य जी वापरले जातात ती हर्बल ड्रग्स असतात औषधी मेडिसिन बनवण्यासाठी जे वापरले जातात ते सगळे द्रव्य
त्यांच्यामध्ये रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव हे सगळे भाव असतात आणि हे भाव आपल्याला मिळवण्यासाठी आपल्याला हे पर्टिक्युलर भाव असलेलं द्रव्य घ्यावं लागतं. मधुर रस पाहिजे असेल तर मधुर रसात्मक जी गुणाची जी द्रव्य ती घ्यायला लागतात. शीत गुण पाहिजे असेल तर शीत गुण ज्या द्रव्यामध्ये आहे तो द्रव्य घ्यायला लागतो तरच ते mainly used for कार्य द्रव्यास. चिकित्सा कार्य सॉरी डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्य द्रव्य. मॅम आवाज येत नाही. आवाज येत नाही. प्रधान पर्यंत चालत मॅम द्रव्य प्रधान. ओके ओके ओके. हॅलो आता बघा येतो का. हॅलो हॅलो. यस मॅम. यस मॅम. द्रव्य आश्रय रसगुण एक्सेट्रा भावास देअरफोर द्रव्य प्रधान. In case of chikitsa in ayurved the word dravya is mainly used for karya dravyas. The word dravya is mainly used for karya dravyas. Karya dravyas are base of chikitsa. Karya dravyas are base of chikitsa. चिकित्सा देण्यासाठी जे मेडिसिन आपण वापरतो ते सगळे कार्यद्रव्य आहेत आणि हे आपल्याला द्रव्य गुण विज्ञान याच्यामध्ये हर्बल ड्रग्स आणि रसशास्त्र याच्यामध्ये सगळे ॲनिमल ओरिजिन मिनरल ओरिजिन मेटल्स रत्न उपरत्न यांची माहिती आपल्याला त्या त्या सब्जेक्टमध्ये मिळते. पण आपल्याला पर्टिक्युलर गुण किंवा रस पाहिजे असेल तर त्या पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी असलेले द्रव्यच वापरावी लागतात. म्हणजे द्रव्य आपल्याला घ्यायचे लागतं हे जे गुण किंवा हे द्रव्य. हॅलो 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 हॅलो. हा येते का नाही. ब्रेक होतो मॅम. ब्रेक होते मॅम. मदत मदत ब्रेक होतोय. मध्ये होतंय का. हॅलो हॅलो. यस मॅम. संयोग परमाणु कारण द्रव्यास ड्यू टू डिस्ट्रक्शन. हॅलो आवाजच नाही आला. तुम्ही काय म्हणला. आवाज नाही आला. परत सांगा. ओके. कार्य द्रव्यास येतंय ऐकू. हॅलो हॅलो. कार्य द्रव्यास फॉर्म आफ्टर द संयोग ऑफ परमाणु ऑफ कारण द्रव्यास. परमाणुज ऑफ कारण द्रव्यास ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ परमाणु संयोग. ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ परमाणु संयोग कार्य द्रव्य गेट्स डिस्ट्रॉइड. आहे ऑडिबल. हॅलो. यस मॅम. देअरफोर कार्य द्रव्याज आर अनित्य. कार्य द्रव्याज आर नित्य.
कार्य द्रव्यास फॉर्म फ्रॉम परमाणुजा पृथ्वी जल तेज एंड वायु. कार्य द्रव्यास फॉर्म फ्रॉम परमाणुजा पृथ्वी जल तेज एंड वायु. महाभूतास फॉर्म फॉर्म परमाणु संयोग ऑफ महाभूतास फॉर्म फॉर्म परमाणु संयोग ऑफ पृथ्वी जल तेज वायु. परमाणु संयोग ऑफ पृथ्वी जल तेज वायु एंड फ्रॉम महाभूत and from Mahabhut in the Srishti or in the nature many karya dravyas produce. Sarva dravyam pancha bhaktikam asmin arthe asa mhatlele ahe. Srishti madhe je sapad aplyala milte ahe te sagle pancha mahabhutane banlele ahe. All types of karya dravyas are divided into Sendriya and Nirendriya. Sendriya and Nirendriya. Sendriya Dravyas are divided into two types. Sendriya Dravyas are divided into two types. Jangam and Odbit. जंगम उद्भिद चार्ट मध्ये आहे बघ. जंगम द्रव्यास आर डिवाइडेड इनटू फोर. जंगम द्रव्यास आर डिवाइडेड इनटू फोर. उद्भिज डैश विच कम्स आउट फ्रॉम अर्थ. एग्जांपल अर्थवर्म. उद्भिज विच कम्स आउट फ्रॉम अर्थ. एग्जांपल अर्थवर्म. Second, Svedaja, insects which produce from sweat, Svedaja. Third one, Andaja, which produce from egg origin. Andaja. Fourth one, Jarayuja, mammals che, which has placental origin. Udbija is divided into four types. First one, Vanaspatya. Trees having flowers and fruits. Second, Vanaspati. Trees in which flowers and fruits cannot be differentiated. Third one, Oshadi. It is not Aushadi, it is Oshadi. Oshadi. Plants which are destroyed after fruit or seed formation. Fourth one, Virudha. All creepers. Virudha. Next line, Nirendriya or Chetandravyas are divided into two types, Khanija and Krutrim. Nirendriya or Chetandravyas are divided into two types, Khanija and Krutrim. Khanij, metal, mineral, soil and stones, etc. Khanija, metals, minerals, soil, stone, etc.
कृत्रिम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड अचेतन द्रव्य कृत्रिम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड अचेतन द्रव्य आयुर्वेदीय अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मेन टू टाइप्स ऑफ द्रव्य शारीर द्रव्य एंड सेकेंड बाह्य औषधि द्रव्य शारीर द्रव्य फर्स्ट वन इज त्रिदोष सेकेंड सप्त धातु थर्ड वन त्रिमलास बाह्य औषधि द्रव्य सेकेंड टाइप बाह्य औषधि द्रव्य फर्स्ट वन इज दोष प्रशमन सेकेंड धातु प्रदूषण एंड थर्ड वन स्वास्थ्य रक्षक दोष प्रशमन मीन्स औषधी द्रव्यज लाइक अमलकी बिभ्यतकी एक्सेट्रा औषधी द्रव्यज लाइक अमलकी बिभ्यतकी एक्सेट्रा सेकेंड धातु प्रदूषक विच इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ विष विच डिस्टर्ब द सप्त धातुस धातु प्रदूषक प्रदूषण ऑल टाइप्स ऑफ विष द्रव्य स्वास्थ्य रक्षक ऑल आहारीय द्रव्य आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप फॉर औषधी द्रव्य इट्स गुण रस वीर्य विपाक इज इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज औषधी द्रव्य प्ले इट्स रोल इन डिसीज टू कीप द त्रिदोषास एंड त्रिमलास अलॉन्ग विथ सप्त धातु इन साम्य अवस्था हियर वी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य वन बाय वन वी विल सी ऑल द नाइन द्रव्य फर्स्ट इज महाभूतास ऑल महाभूतास उद्या आपण महाभूत स्टार्ट करूया द्रव्य मधला पंच महाभूतास अटेंडन्स द्या हॅलो ऑडिबल आहे मॅम हा अटेंडन्स द्या हॅलो नंबर वन हॅलो हा आहे ना अटेंडन्स द्या नंबर वन टू प्रेझेंट थ्री प्रेझेंट मॅम फोर प्रेझेंट मॅम फाईव्ह हॅलो सिक्स प्रेझेंट present ma'am 8 ma'am present 9 present ma'am 10 11 12 yes ma'am 13 14 15 present ma'am 16 17 18 present ma'am 19 yes ma'am 20 21 present ma'am 22 present ma'am 23 24 25
प्रेजेंट मैम. 26 प्रेजेंट. 27 यस मैम. 28 प्रेजेंट मैम. 29 प्रेजेंट मैम. 30 31 प्रेजेंट मैम. 32 प्रेजेंट मैम. 33 प्रेजेंट. 34 यस मैम. 35 36 37 38 प्रेजेंट मैम. 39 40 प्रेजेंट मैम. आते कोण शिंदे आहेत का? स्क्रीनशॉट घे जाधव. हो मैम घेतले. ओके मैम. 24 प्रेजेंट आहे. नेटवर्क एरर हो लावली लावली आहे. हा थँक्यू. अच्छा हे वाचा सगळं आणि उद्या आपण पंचमहाभूत थेरी पंचमहाभूताचं इव्हॉल्युशन कसं झालं ते सगळं उद्याच्या लेक्चरला बघूया.